आपको ध्यान देना होगा कि जैसे कि फर्स्ट बॉस आप जब देते हैं, मतलब सेकंड बॉस अप्लाई करते जा रहा हूँ, तो सब लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि सब लोग डायरेक्ट जो बिगनर्स हैं वो हैंडल नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस आर पेंटिंग्स। तो आज मैं मुंशी घाट, जो कि बनारस में है, ये बनारस घाट का एक हिस्सा है, तो उसे मैं बनाने जा रहा हूँ। और ये आज हम बनाएंगे वाटर कलर मीडियम में। तो सबसे पहले पेन से मैं स्केच कर रहा हूँ। ये भी स्केच मैं फास्ट कर रहा हूँ, एक रफ स्केच कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं रहेगा इसमें। जितना फास्ट हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उतना फास्ट स्केच कर लूँ, उसके बाद फिर वाटर कलर से इस पर प्ले करेंगे। तो स्केच अब हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम इस पे वाटर अप्लाई करेंगे, वाटर वॉश देंगे बिल्कुल पूरे पेपर पे। ऐसे मैं बता दूं आपको, ये ब्रूस्टो का A3 साइज वाटर कलर शीट है। तो वाटर वॉश अब कंप्लीट हो चुका है और मैं अब कलर, सारे कलर मतलब मेरे पैलेट पहले से ही निकले हुए हैं, तो मेरे पैलेट में आपको ज़्यादा कलर नहीं दिख रहा होगा, और भी बहुत सारे कलर दिख भी रहे हैं, तो मैं सारे कलर का इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन सबसे पहले सब पे मैं स्प्रे कर दे रहा हूँ वाटर स्प्रे, कि कलर टेक करने में आसानी हो, कलर लेने में इजली हो। ऐसे फिर ब्रश से पानी मिक्स करना पड़ता है उसके बाद, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उससे बढ़िया कि पहले ही आप कलर पे स्प्रे कर लें, उससे आप आपके ब्रश पे कलर अच्छे से उठेगा। तो अब फर्स्ट बॉस देते हैं। आपको पेंटिंग में ध्यान रखना है, खास करके वाटर कलर पेंटिंग में। और आज इतने सारे कलर हो चुके हैं, अगर आप सब कलर का नाम जैसे कि वर्मिलियन रेड, स्कारलेट रेड, इस तरीके से याद कीजिएगा, बर्न सियाना, येलो कर, तो शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, उसी में मतलब उनका टाइम चल जाएगा। तो सिंपल सा आप समझिए, सिर्फ सिंपल समझ लीजिए, येलो का वेरिएशन, ऑरेंज का वेरिएशन, रेड का वेरिएशन, ब्लू का वेरिएशन, ग्रीन का वेरिएशन, इस तरीके से कि डार्क ब्लू, लाइट रेड, इस तरीके से आप सिंपल समझिएगा। पिक्चर को देख के आपको समझना है, आपको कम से कम कलर में पेंटिंग कंप्लीट करना है, कम से कम कलर में। वाटर कलर का मतलब आप किसी भी मीडियम में, अच्छा बात यही हुआ कि आप कम से कम कलर लें, कि आप कितने कम कलर में उस पिक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको उस फिगर को देखकर समझना होगा कि सबसे ज़्यादा कलर कौन सा इस्तेमाल होगा। जैसे मैं इस फिगर को देखा तो मुझे समझ में आया कि इसमें बर्न सियाना, येलो होकर, और फिर ऑरेंज, परमानेंट येलो डीप, इसका मतलब हमें ज्यादा जरूरत है। क्या बात है? यही नहीं, अभी और सुनिए, बाकी तो कलर थोड़ा सा ब्लू बस, उसके अलावा तो ज्यादा कुछ नहीं। और फिर एक डार्क के लिए मैं ज्यादातर इस्तेमाल करता हूँ वॉयलेट, वॉयलेट कलर मतलब मेरा फेवरेट कलर है, तो मैं इस कलर का ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन पता नहीं चलता है फिगर में, क्योंकि हमेशा मैं कोई भी डार्क कलर को किसी कलर से मिक्स करके करता हूं। आपको ध्यान देना होगा कि जैसे कि फर्स्ट बॉस आप जब देते हैं, तो मेरा फर्स्ट बॉस जैसे कि इस फिगर पे हो चुका है, और फिर उस पर मतलब पानी बिना सूखे हुए मैं डायरेक्ट उस पर काम करते जा रहा हूँ, मतलब सेकंड बॉस अप्लाई करते जा रहा हूँ।
तो सब लोग ऐसा नहीं कर कीजिएगा, क्योंकि सब लोग डायरेक्ट जो बिगनर्स हैं वो हैंडल नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। वो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि एक मतलब एक वॉश आप दे चुके हैं तो उसे पहले सूखने दीजिए, उसके बाद आप काम कीजिए। आप अपने साथ मतलब एक जब आप वाटर कलर पेंटिंग कर रहे हो तो एक मतलब ये टूल, चाहे आप एक स्टिक बना सकते हैं या कोई भी, जिस क्योंकि आप सोचिएगा कि डायरेक्ट हाथ रख के कम, तो उससे पेंटिंग गंदा हो जाएगा। बात तो सही है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो आपको हाथ नहीं रखना उस पे, लेकिन हाँ वहाँ पर जब आपको काम करना है तो हाथ ऐसे टच हो जाएगा अगर डायरेक्ट आप काम कीजिएगा तो पेपर पे। तो एक कुछ स्टिक आप बना लीजिए या फिर कोई और भी चीज़ है वैसा टूल्स है जिसका आप इस्तेमाल करके थोड़ा मतलब अपने हाथ को ऊपर रख सकें, जैसे कि मैं इस वीडियो में किया हुआ हूँ। तो वैसे आपको एक टूल मतलब बना लेना, आप स्टिक से भी बना सकते हैं या फिर कोई भी चीज़ वैसा हो स्टील का या फिर कोई भी चीज़। ये तो मेरे पास जो है ये मैग्नेट है बिल्कुल, तो इस चीज़ का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर आपको लगे कहीं पर कि पेंटिंग में जो कलर है कहीं पे डल लग रहा है तो आप दोबारा उस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मतलब मैं पेंटिंग को बार बार चेक करते रहता हूँ थोड़ा पीछे हट हट कर, उससे समझ में आता है। अब जब थोड़ा पीछे हट कर मतलब पेंटिंग को हल्का दूरी से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या मिस्टेक है या फिर क्या बाकी है, उसको आपको कंप्लीट करना है। अब मैं आपको, क्योंकि बस पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है तो मैं कुछ वर्ड्स ऐड कर दे रहा हूँ और इसे मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। तो आपको अगर ये पेंटिंग वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल RSR पेंटिंग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।